नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने यादव खानदान को बेहद ही बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यूपी में चुनाव चल रहा है और 10 मार्च को इन चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले ही कुछ आंकड़े सामने आ चुके हैं जिसके मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी 250 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव, जिन्हें इस बार टक्कर देते हुए माना जा रहा था, वो टक्कर शायद अब काफी पीछे रह गई है। लेकिन मुश्किलें अखिलेश यादव की यही खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव का जो खानदान है, जो परिवार है, उस परिवार में फूट पड़ चुकी है। पहले आपको याद होगा कि चाचा भतीजे की लड़ाई हुई, हालांकि अब चाचा और भतीजे एक हैं। उससे पहले जब 2017 के चुनाव चल रहे थे, तब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में भी एक झड़प हो गई थी। वहीं अब इस वक्त जो खबर सामने आई, आपने भी देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वहीं अपर्णा यादव के लिए सीएम योगी ने कुछ बातें कही हैं। वो बातें सुनकर यकीनन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक और संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की भाजपा में एंट्री पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुलायम परिवार में वह सबसे योग्य हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार में से केवल अपर्णा यादव को ही भाजपा में शामिल कराने के एक सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह मुलायम परिवार में सबसे योग्य हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अखिलेश यादव को अपर्णा यादव के साथ बहस करने की चुनौती दे डाली। तो ये वही अपर्णा यादव हैं जिन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। लखनऊ कैंट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि भाजपा प्रत्याशी से अपर्णा यादव हार गई थी। लेकिन ऐसे में सीएम योगी ने इस बार अपर्णा यादव पर बेहद ही ज़्यादा भरोसा जताया है, और भरोसा भी ऐसा कि सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि अपर्णा यादव खुलेआम अखिलेश यादव को चुनौती दे सकती है, इनमें कभी भी आप बहस करवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो ये फूट का आलम है, ये यादव खानदान में छा चुका है, और इसकी मुख्य वजह है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कद समाजवादी पार्टी से इतना ऊपर उठ चुका है कि कहीं ना कहीं जो यादव खानदान में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने उन्हें अभी कहीं से भी चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया अपर्णा यादव को, लेकिन ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो अपर्णा यादव को एक महत्वपूर्ण पद जरूर सौंपा जाएगा। एक विशेष जिम्मेदारी अपर्णा यादव को सौंपी जाएगी, क्योंकि सीएम योगी खुद अपर्णा यादव को बहुत पढ़ी लिखी और योग्य मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक टीवी चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 से ज़्यादा परिवार के सदस्य थे, मगर हमने अपर्णा यादव को ही लिया क्योंकि वह उनमें सबसे ज़्यादा योग्य थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साफ तौर पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव अपर्णा यादव से बहस कर लें, पता चल जाएगा कि किसकी योग्यता ज़्यादा है। इन्हीं दो में बहस करवा दो, कौन व्यक्ति कितना योग्य है ये पता चल जाएगा। तो ये खुली चुनौती, ये चार शब्द हैं, हालांकि ये शब्द मैंने दोहरा दिए, और दोहराने का कारण ये है क्योंकि ये इतनी बड़ी चुनौती है। एक परिवार की बहू जो है, वो खुलेआम अब अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं एक फूट का आलम है, ये फूट का आलम पूरी पार्टी में छाया हुआ है, और कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो खतरे में है ही, लेकिन जो परिवार
जो परिवारवाद जिसके दम पर ये पार्टी हमेशा उछलती आई थी, उस परिवारवाद का अस्तित्व भी खत्म होने की कगार पर खड़ा है। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार। सपा ने माफिया को पनपाया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पेशेवर माफिया, जगह जगह उन्होंने कट्टा और तमंचों की फैक्ट्री लगा करके यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। बेटियां असुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, व्यापारी असुरक्षित। क्या आज भी कोई कट्टा की फैक्ट्री चला पाएगा क्या? ये तमंचावादी जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी, यही है ना। इन्होंने अपना काम केवल अपने परिवार तक सीमित रखा है। ये लोग लोक कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। बुंदेलखंड के संसाधनों पर लूट मचाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, राजनों से छिनैती करते थे, डकैती डलवाते थे, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली करते थे। क्या 2017 के बाद भी कोई राज नहीं कर पाएगा, गुंडागर्दी कर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास की छड़ी लेकर के जाएगी, हर गरीब को मकान देगी, बिना भेदभाव के बिजली देगी, बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा भी देगी, लेकिन माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का स्टेयरिंग लेकर के दूसरे हाथ से भी तेजी के साथ, धड़ल्ले के साथ चलेंगे। आपने देखा होगा जमीन माफियाओं के लिए, आप देख सकते हैं सपा बसपा और कांग्रेस की संवेदना कभी गरीब के लिए नहीं होती है, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं होती है, महिलाओं के प्रति नहीं होती है। इनकी संवेदना तो जब माफिया पे बुलडोजर चलता है तो तब इनकी संवेदना जगती है, कहते ये सब करने की आवश्यकता क्या है। तो मैं भी यही बात कहता हूं कि भाई इन माफियाओं से पूछो, अपने शागिर्दों से पूछो कि गरीबों की संपत्ति को हड़पने का मतलब क्या था। जरा बताइए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 5 साल में 18,000 गरीबों के मकान नहीं बना पाई, और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों बहनों, 5 साल में 43,50,000 गरीबों का मकान बनाया है, 43,50,000 गरीबों के लिए। और अकेले झांसी में, झांसी जनपद में 50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। और हमने तय किया प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, 1 करोड़। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि नौजवानों को ये सब देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा नहीं, ये तो सब केवल सिपाही खानदान का ही इस पे डकैती डालने का अधिकार है।